नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये ऑडियो बुक NSSIT बॉम्बे द्वारा प्रस्तुत चैनल वॉइस फॉर पर्पस पर। सचमुच ही आत्मकद नग्न तस्वीरों को देखकर वाणी सेन सिहर उठी थी। चाहे मे महीने क्यों न लटकाई हो, पर क्या सयाने काका बाबू को नहीं चाहिए था कि उसके आने के पूर्व उन्हें हटाकर कहीं और डाल देते। क्या पता चारू ठीक ही कह रही हो, पर वह जाए भी तो कहां जाए। हृदयहीन मामी को वह जानती थी। उसकी भाई की व्याघ्र दृष्टि ने उसे कुछ ही पलों में लीलने की जो निर्लज चेष्टा की थी, उसे शायद मामी ने भी देख लिया था। इसी से उन्होंने भांजी को साथ ले चलने का कोई आग्रह नहीं किया। न पिता के वंश में कोई बचा था, न माँ के। रात रात जागकर वह भविष्य की योजनाएं बनाती, पर स्कूल पहुंचते ही काका बाबू का निर्विकार चेहरा देखकर उसके चित्त का कलुष उसे स्वयं लज्जित कर देता। ऐसे देवतुल्य व्यक्ति के लिए वह कैसी घिनौनी बातें सोचने लगी थी। ऐसे ही यदि होता तो क्या इन 7 महीनों में एक बार भी अपने कामी स्वभाव का परिचय नहीं देते। हो सकता है वे सब बातें चारू ने केवल इसलिए उसे सुनाई हो कि वह स्वयं ही भागकर उसका रास्ता साफ कर दे। तुम जब जाओगी तभी बाबू मुझे छुट्टी देंगे, वह प्रायः ही कहती रहती। पर चतुर गिद्ध क्या एकदम ही शिकार पर झपटता है? उसी छली पक्षी की भांति निर्मल आकाश में गोल गोल चक्कर काटते जब रजनीकांत अपने शिकार पर झपटे तो वह संभल भी नहीं पाई। चारू चारू, उसने चित्कार से पूरी नीली कोठी गुंजा दी थी, पर उसकी करुण चीख बड़े बुजुर्ग से टकराकर उसी के कानों में हथौड़े से पीटने लगी थी। चारू चारू, यह कोठी बुद्धिमान साहब ने बनवाई है इस खूबी से कि हर चीखने वाले की चीख टकरा टकरा कर उसी के पास लौट आती है, बाहर नहीं जाती। अपने नकली दांतों की हंसी की विद्युत वही से उसे झुलसाता वह दानव उसकी पीठ थपथपा कर हंसने लगा था। आराम से यहाँ पड़ी रहो, यदि और कुछ मूर्खता कर बैठी तो फिर स्वयं भुगतोगी। फूल रेनू की लाश को आज तक पुलिस नहीं ढूंढ पाई। वाणी की मांस मजा तक क्रोध से भस्म होकर रह गई थी। वह राक्षस फिर उसकी देह का स्पर्श करे, इससे तो अच्छा है वह स्वयं ही उसे ठिकाने लगा दे। इससे अच्छा अवसर अब मिल ही कब सकता था। चारू भी नहीं थी। पास ही रेल के स्टेशन से आती एक के बाद एक रेलगाड़ियों के आगमन प्रत्यागमन की सीटी वह नित्य सुनती थी। रजनीकांत के जाते ही वह द्वार खोलकर चुपचाप निकल गई थी। फिर कैसे, कब, किन किन गाड़ियों में दुबक कर बैठी वह बाकीपुर पहुंच गई थी वह स्वयं ही नहीं जान पाई। वहीं उसे मानिक मिल गई थी। उस दिन की काप रही सहमी बड़ी बड़ी आंखों वाली वही सावली सामान्य सी किशोरी आज भरे भरे अंगों की छटा बिखेरती लावण्यमयी वाणी सेन थी। उसे यदि आज रजनी काका देखते तो निश्चय ही बूढ़े का हार्ट फेल हो जाएगा बड़ी दी। चुलबुली वाणी हंसकर कहती, ला पता दे दे तो एक चिट्ठी डाल दूं। मानिक से वाणी का ऐसा ही हास परिहास चलता रहता। पता तो दे देती बड़ी दी, गंभीर स्वर के साथ बड़ी बड़ी पुतलियों को भी गोल गोल घुमाकर वाणी कहती, पर एक साथ इतनी सारी सुंदरी भतीजियों को देखकर कहीं उन्हें कुछ हो गया तब मेरे क्या 10-20 चाचा ताऊ हैं? फिर तो वाणी सेन के जो असंख्य दुलारे चाचा ताऊ थे उन्हीं के एक एक कर सब नाम गिनवाने लगती। उसकी सखियां और वाणी हंसती हंसती दोहरी हो जाती। अरी मरियो, चुप करो अब बस। कभी अफरोज फिर चुटकी मारती, कभी सईदा, चटर्जी काका, राय काका, घोष खुड़ो, दसीदार, राज चौधरी काका,
टॉमस अंकल, डेविड अंकल, हाय राम, दम फूल गया गिनते गिनते। हमारी वाणी सेन का तो आधा संसार इन ससुरे चाचों से ही भरा पड़ा है। मानिक फिर एक छौंक लगाती, अरे उसको भूल गई क्या? कुमुद रंजन मंडल, वह तो इन सबका भी चाचा है, वही तो सुनता है इससे रविंद्र संगीत। वाणी रूठी बालिका का सा अभूतपूर्व अभिनय करती, ठुड्डी पर हाथ धरकर तुनक उठती। खबरदार बड़ी दी जो मेरे बुढ़े से कुछ कहा, आह रे एक एक बाल सफेद, खास्ता है तो पूरा डेंचर निकलकर दूर छिटकता है। मुंह से लहसुन की बदबू, लकवे के झटके से गर्दन ऐसी हिलाता है जैसे कथक का नचाया हो। ऐसा प्रेमी बड़े भाग्य से जुटता है बड़ी दी। शायद प्रत्येक प्रेमी के घृणित व्यक्तित्व को घुटक कर नीलकंठ बनने की उस अपूर्व क्षमता से ही वाणी सेन मानिक की सबसे मुंह लगी सदस्य बन गई थी। मानिक कहीं भी जाती, वाणी सेन छाया की भांति उसके साथ रहती। पीली कोठी में एक से एक बिगड़ैल घोड़े आते, पर चतुर गहरे बाज की दक्ष वाणी सेन ही उन्हें अपने सधे चाबुक से साध लेती। पन्ना का पत्र पाकर क्रोध से बौखला गई थी मानिक, जब उसकी अनुपस्थिति में ही वह बड़े विश्वास से दिए गए चाबी के गुच्छे को मुंशी जी को सौंप कर भाग गई थी। तब क्या अभागी नहीं जानती थी कि गुच्छे में तिजोरी की भी चाबी धरी है? उस तिजोरी का वैभव क्या कुबेर के कोष से किसी अंश में कम था? यही ठीक था कि मुंशी जी उसके परम विश्वासी कर्मचारी थे, पर नियत बिगड़ते क्या कुछ देर लगती है? मैं उससे साफ साफ कह दूंगी, जहां जाना है चली जाए, पीली कोठी में ऐसी नमक हराम छोकरी को कदम नहीं रखने दूंगी। रात भर पैर पकड़कर वाणी सेन ने ही उसे मनाया था। लाख हो, छोटी दी तुम्हारी छोटी बहन है, फिर इस निगोड़ी कोठी में एक बच्ची की तो कसर है। देख लेना कोठी गुलजार हो उठेगी। वाणी सेन की भविष्यवाणी सचमुच में सार्थक हो गई थी। जब देखो तब वाणी उसे गालों से लगाकर गाती रहती। कृष्ण कली आमी तारे ही बोली, कालो तारे बोले गायर लोग, एमनी कोरे कालो काजल मेघ, जयेष्ठ मासे आसे ईशान कोने, एमनी कोरे कालो कोमल छाया, आषाढ़ मासे नामे तमाल बने, एमनी कोरे श्रवण रजनीते, हटात खुशी धनिये आसे चीते, कालो ताये तई कालो हो, देखछी तार कालो हिरन चोक। क्या ऐसे ही काले काजल में जेठ के महीने के साथ ही ईशान कोण पर नहीं घिर आते? क्या ऐसे ही आषाढ़ में काली कोमल छाया तमाल वन पर नहीं उतर आती? क्या ऐसे ही काली श्रवणी रजनी के बीच हृदय आनंद से पुलकित नहीं हो उठता? काली कितनी ही काली क्यों ना हो, मैंने उसकी हिरन सी काली आंखें देख ली है। यही गाना गाते गाते भाव विभोर हो प्रौढ़ दुलाल बाबू उसकी ओर एक टक ऐसे निहारने लगते थे कि वह स्वयं ही सिहर कर आंचल ठीक करने लगती। आज वह उस भूखी दृष्टि का अर्थ समझ सकी है। वाणी मुझे लगता है यह गाना तुम्हें ही देखकर लिखा गया है, उन्होंने पहले दिन कहा तो वाणी ने लजाकर माथा झुका लिया था। गोदी की नन्ही बच्ची को निहारती वाणी मन ही मन सोच रही थी, गाना मेरे लिए नहीं इसके लिए लिखा गया है। असीम लाड और दुलार के बीच पल रही कृष्ण कली की मलिन कांति को मानिक के यूनानी उपटनों ने सचमुच ही उजला कर दिया था। छोटी दी तुम्हारी लड़की का नाम अब बदलना ही पड़ेगा, देखती नहीं दिन पर दिन कैसा रंग निखरता जा रहा है निगोड़ी का।
वाणी समय पाते ही उसे गोदी में लेकर बैठ जाती। कभी कभी रात को भी वह उसे संग सुलाने उठा ले जाती। कली, कृष्ण कली, अमार कालो चांद, अमावस्या, कितने ही अटपटे नामों से पुकारती वाणी पगला सी जाती। कली जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, उसका सांवला रंग स्वयं ही गेहुआन आभा की कांति को स्पष्ट करता जा रहा था। बड़ी दी पन्ना कहती, 5 साल की होते ही इसे बोर्डिंग में डालना ही होगा। क्यों री, क्या अभी से इतनी भारी हो गई बिटिया? नहीं बड़ी दी, वाणी ने इसे गोदी की ऐसी आदत डाल दी है कि गोदी से नीचे रखते ही चीखने लगती है। पन्ना का काम इधर बहुत बढ़ गया था। कई बार तो उसे रिकॉर्डिंग करवाने कलकत्ता भी जाना पड़ता था। एक वाणी सेन ही नहीं, पूरी पीली कोठी की दुलारी थी कली। जब से उसने चलना और तुतला तुतला कर बोलना सीख लिया था, वाणी सेन तो उस पर मर मिटी जाती थी। वाणी से कहती थी तानी, पन्ना से तन्ना और बड़ी दी से तड़ी दी। कहो ककड़ी केला, वाणी उसे तोते सा पढ़ाती। ततरी तेला, चेहरे से भी बड़ी आंख घुमाकर कली कहती। हंसी का फवारा सा छूटने लगता। कभी कभी सजी सजाई गुड़िया सी कली को मुखरा वाणी बड़ी दी के भरे दरबार में लाकर दूध सी धुली चांदनी पर बैठा देती। अरे करती क्या है, बड़ी दी हड़बड़ाकर उठाने लगती, गीला कर देगी। तो क्या हुआ, गंगा जल उठा उठा कर माथे पर धरेंगे तुम्हारे दरबारी तो सब पाप कलूस धुल जाएंगे। क्यों है न रे मेरी कली? सिखाई बंदरिया सी कली न जाने कैसे सब कुछ समझकर नन्ही सी नाक चढ़ाकर हंस देती। तेरी माँ कौन है बता दे रे मेरी सोना? वाणी चतुर नटनी की भांति आकर्षक कली को अपने अनुशासन की रस्सी पर साध कर पूछती। तन्ना, तेरे बाबा कौन है बेटी? वाणी फिर अपनी मुखरा चपल दृष्टि का डमरू बजाती। ये छब, कली अपनी तिनके सी तर्जनी पूरे दरबारियों की ओर घुमा देती। अरे वाह वाह, क्या दिमाग पाया है, बिल्कुल माँ पर पड़ी है। उम्मीद है ये सुनके आपको मजा आया। और दिलचस्प ऑडियो बुक सुनने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।